ये एक सच्ची कहानी है उस जहाज की जिसने 1955 में न्यूयॉर्क से मायामी के लिए 57 मुसाफिरों के साथ उड़ान भरी और टेक ऑफ करने के चंद ही मिनट बाद बादलों में कहीं खो गया और फिर 37 साल के तवील अरसे तक ये जहाज और इसके बदकिस्मत मुसाफिरों के बारे में दुनिया हैरान रही कि इसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया। ये गुत्थी सालहा साल का अरसा गुजरने के बावजूद अभी सुलझ ना पाई थी कि अचानक 1992 के एक दिन कैराकस वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर एक अजनबी जहाज की आमद हुई जो DC-4 फ्लाइट नंबर 914 रेडार पर आए बगैर जाहिर हुई, जिस पर कंट्रोल टावर के अमले ने पायलट से राबिता किया कि वो कौन है और कहां से आया है। अमले की नाकाबले तर्दीद शहादतों और रिकॉर्ड शुदा गुफ्तगू के मुताबिक पायलट की आवाज में ना सिर्फ खौफ का उनसर नुमाया था बल्कि उसकी गुफ्तगू भी बेमायनी और उलझी हुई थी। डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन रेमन एस्टोवर ने एनी शाहिदीन की गुफ्तगू का खुलासा बयान करते हुए बताया कि मस्कूरा जहाज सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए वहां रुका और दोबारा उड़ान भरते हुए गायब हो गया। अगरचे एक शहादत ये भी है कि इस जहाज ने न्यूयॉर्क से फ्लाई करने के बाद चंद सेकंड्स के लिए फ्लोरिडा के एयरपोर्ट पर भी लैंड किया था, लेकिन असल मुअम्मा ये है कि 37 साल तक ये कहां रहा। कैराकस कंट्रोल टावर की इंतजामिया के मुताबिक ये बिल्कुल एक गैर फितरी और अजीबो गरीब वाकया था जिसमें उन्होंने देखा कि एक जहाज अचानक एयरपोर्ट की हदूद में दाखिल हो चुका है लेकिन रेडार पर उसे नहीं देखा जा सकता। उनके बकौल, हमने जहाज को अपनी आंखों से देखा लेकिन रेडार की स्क्रीन पर उसका नामो निशान तक नहीं था। हमने पायलट से कहा कि वो हमसे रब्ता करे तो उसकी आवाज आई कि हम कहां हैं, जिसमें खौफ का अंसर नुमाया था, लेकिन बिलाखिर वो बताने में कामयाब हुआ कि हम यानी फ्लाइट नंबर 914 न्यूयॉर्क से मायामी के लिए उड़े हैं। हमारे साथ अमले के 4 अफराद समेत 57 मुसाफिर भी हैं। मैनेजर के मुताबिक उसके बाद राबिता मुनकता हो गया और हम हैरान रह गए कि यहाँ से 1800 किलोमीटर दूर अचानक ये परवाज बगैर इत्तला के कैसे पहुंची। दोबारा राबिते के बाद हमने पायलट को बताया कि तुम जनूबी अमेरिका के इलाके वेनेजुएला में हो और पूछा कि तुम खौफजदा क्यों हो, लेकिन कोई जवाब ना आया। और फिर चंद सेकंड्स बाद उसने बेहतरीन महारत से जहाज को रनवे पर उतार दिया। मैंने सुना कि वो अपने को पायलट से कह रहा था कि जिमी, ये क्या मामला है। मैनेजर ने बताया कि पायलट के मुताबिक उसे 2 जुलाई 1955 को सुबह 9:55 के मुताबिक मायामी एयरपोर्ट पर उतरना था। फिर मैंने सुना कि वो कह रहा है कि शायद कुछ गलत हो गया है। मैंने उससे कंट्रोल टावर से बताने की कोशिश की कि आज 21 मई 1992 का दिन है। उसने ओह माय गॉड कहा। मैं सुन सकता था कि उसने ठंडी सांस भरी है। मैनेजर डेला कोर्ट के मुताबिक जब जहाज रनवे पर उतरा और हमारे ऑयल टैंकर ने अभी उसकी तरफ रुख ही किया था कि पायलट की चिल्लाती हुई आवाज आई, हमारे करीब मत आना, हम जा रहे हैं। एयरपोर्ट के ग्राउंड सर्विस मुलाजमीन के मुताबिक उन्होंने देखा कि मुसाफिरों के चेहरे जहाज की खिड़की के साथ चिमटे हुए थे। पायलट ने अपने कॉकपिट विंडो से हमें खुदा हाफिज कहा और वो दोबारा हवा में उड़ान भरकर हमारी नजरों से ओझल हो गया। हेड ऑफ सिविल एविएशन के मुताबिक बजाहिर ये एक नाकाबले यकीन वाकया लगता है, लेकिन पायलट और डेला कोर्ट के दरमियान होने वाली गुफ्तगू, जिसका रिकॉर्ड आज भी मौजूद है,
एक ऐसी मोहकम और मुस्तहकम दलील है कि जिसकी तरदीद शायद मुमकिन ना हो। नाज़रीन मोहतरम, ये एक मुअम्मा है समझने का ना समझाने का, जो आज के साइंसी उरूज को छूते हुए इंसान से अभी तक हल नहीं हो पाया। फिजाई हादिसात अगरचे अपना वजूद रखते हैं, लेकिन उनकी वजूहात और बाकियात कभी भी दुनिया की नजरों से ओझल नहीं रह सकी। लेकिन ये तारीख इंसानी का एक अनोखा वाकया है कि एक जहाज 57 मुसाफिरों के साथ उड़ान भरे और फिर 37 साल की तवील मुद्दत तक वो सुलेमानी टोपी पहने निगाहे आदम से ओझल रहे और फिर अपने होने का सबूत देते हुए महज चंद सेकंड्स के लिए किसी एयरपोर्ट पर उतरे और एक नाकाबले यकीन सबूत छोड़ते हुए दोबारा गायब हो जाए। साथियों, फैसला आप पर है कि क्या इस अजीबोगरीब वाक्य को तस्लीम किया जा सकता है। आपकी आरा का इंतजार रहेगा।